अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं सर जुबैर एंड यू आर वाचिंग जी टेक। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैं रेडमी नोट 10 प्रो का एक पबजी रिव्यू भी करने वाला हूँ, पबजी टेस्ट करने वाला हूँ, और उसके अंदर हम देखेंगे इसका FPS काउंट जायरो में कैसा परफॉर्म करता है और हमें ग्राफिक्स कैसे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी एक मरतबा स्पेक्स मैं अगेन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ जो हमारे न्यू व्यूवर्स से देखने वाले। इसके अंदर फ्रेंड्स हमें स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है जिसमें 33 वाट का फास्ट चार्ज, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते हैं अपने पबजी टेस्ट की जानिब, और पबजी टेस्ट से पहले फ्रेंड्स IUL प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, मैंने यहाँ पे पबजी फुल फ्लाइट डाउनलोड कर ली है, इसके कुछ मैप्स वगैरह भी मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। तो अभी हम अपना गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पबजी कितने टाइम में लोड हो जाती है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ऑन, और फ्रेंड्स देखते हैं कितना टाइम लेती है पबजी ऑन होने में, ये इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इसने 25 to 30 सेकंड का टाइम लिया है राउंड अबाउट, अगर हम फिगर करें तो लोड अप होने का। तो ये आई थिंक सो क्वाइट गुड टाइम फॉर पबजी लोडिंग। और जैसा कि आपको उसमें पहले जो स्पेक्स को मेन जो शुरू की वीडियो में मैंने आपको जैसे ही बता दिया था कि इसके अंदर हमें डुअल स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, एक नीचे वाले साइड पर है, एक ऊपर वाले साइड में है। तो अगर आप हैंड फ्री नहीं भी यूज़ करते तो एक साइड से अगर आपका स्पीकर कवर ग्रिल कवर भी होती है तो दूसरी साइड से आप साउंड वगैरह इजीली फील कर सकते हैं। तो ये आपके एक एडवांटेज होने वाला है पबजी प्लेयर्स के लिए कि उनको डुअल स्पीकर जैसे फैसिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करें तो हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और ग्राफिक्स में जाते हैं तो देखते हैं हमें कितना गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें HD के साथ हाई फ्रेम रेट पे गेम खेलने को मिल रही है, और अगर हम बैलेंस पे जाते हैं तो हमें फ्रेम रेट यहाँ पे अल्ट्रा देखने को मिल रहा है, लेकिन HD के साथ हम हाई फ्रेम रेट पे ही ओनली गेम यहाँ पे का खेल सकते हैं। और यहाँ पे कलरफुल वगैरह बाकी जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो भी मेंशन है। अगर हम लॉबी की बात करें तो लॉबी पे ये सेम कंडीशन है, हम HD के साथ हाई फ्रेम रेट पे गेम खेल सकते हैं और बैलेंस के साथ अल्ट्रा पे। तो हम HD के साथ हाई गेम प्ले को ही रिकमेंड करते हैं, और यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग्स को ओके कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो पहले भी हमें जो रेडमी की शाओमी की डिवाइसेस थी उसमें हमें यहाँ पे एक गेम टर्बो मोड देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर हमें जो बेसिक ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे मेंशन होती हैं जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, और हमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप वगैरह पे भी हम इसका लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगर हम इसको और भी एक्सटेंड करना चाहें तो और हमें जैसे Wi-Fi to SIM की ऑप्शन अवेलेबल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और साथ ही अगर हम इसके पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे लेना चाहें उस तरह की ऑप्शन भी हमें देखने को मिल रही है। तो फुल फ्लैज यहाँ पे गेम टर्बो बोर्ड हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ऊपर हमें कंडीशन भी बता रहा है कि GPU कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, जो हमारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, और CPU कितने परसेंट यूज़ हो रहा है, और कितने FPS का काउंट इनिशियली तौर पे चल रहा है। तो इनिशियल तौर पे लॉबी भी हमें 31 FPS का काउंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी स्क्रीन पर आपको लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऑफ और अपना गेम प्ले हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी गेम स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 26 FPS का काउंट यहाँ पे इनिशियल तौर पे देखने को मिल रहा है, 28 FPS तक जा रहा है इसमें। तो अभी हम यहाँ पे गेम अपना खेलते हैं, देखते हैं हमें किस तरह की गेम देखने को मिल रही है। Thank you.
मजा नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें FPS काउंट तकरीबन 28 टू 29 फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गेम प्ले जो देखने को मिला, मुझे तो SHS में अभी तक कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले हुआ है। क्योंकि मैं इसे अभी रूम टेम्परेचर पे चला रहा हूँ, तो रूम टेम्परेचर इस टाइम आई थिंक 36-37 डिग्री का तो होना चाहिए, क्योंकि फैन वगैरह मैंने ऑफ किया हुआ है ताकि आपको शोर डिस्टॉर्शन वगैरह यहाँ पे देखने को ना मिले। तो अभी तक तो मुझे मेजर हीटिंग इश्यूज में देखने को नहीं मिले। तो गेम प्ले बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा हुआ है, और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और जो FPS काउंट हमें देखने को मिल रहा था वो ऑलमोस्ट 30, 28, 30, 35 FPS भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये तो हमारा था बगैर जायरो के गेम प्ले। अभी हम एक जायरो का गेम प्ले ट्राई करते हैं और उसमें देखते हैं हमें जायरो की गेम कैसी देखने को मिल रही है। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जायरो गेम प्ले स्टार्ट कर ली और हम यहाँ पे देखते हैं हमें जायरो का गेम प्ले कैसे देखने को मिल रहा है। जायरो तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करते हुए मिल रहा है, लेकिन अभी गेम प्ले जब स्टार्ट होता है तभी पता लगेगा कि हमें यहाँ पे गेम प्ले कैसा देखने को मिल रहा है। वैसे तो मैं जायरो ऑफ करके खेलता होता हूँ, लेकिन अभी जायरो ऑन करके खेलेंगे। तो यहाँ पे गन मैंने दूसरी चेंज करके उठा ली है, लगता है मुझे पहली दफ़ा मरना पड़ेगा ताकि मैं गेम चेंज करूँ। ओ आला, चलो थैंक यू यार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी गन ज़रा M416 ले लेता हूँ और फिर देखते हैं इन भाइयों का क्या हाल करते हैं हम लोग। और ब्राइटनेस थोड़ी सी यहाँ पे कम हो गई है, तो अब यहाँ पे हम गेम प्ले खेलते हैं। ओहो भाई जान ने अटैक कर दिया है, बड़ा गंदा अटैक किया हम पे। और जायरो में बहुत ही फाइन यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है, और FPS काउंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 30 के करीब हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे फोन में फिलहाल कोई भी गेम लैग में कोई देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे ये भाई हमारे किधर आ गए मित्र, हम इनको जरा मिल के, और मैं मर चुका हूँ क्योंकि दो भाई आ गए थे हमारे। ओहो छुपा हुआ था भाई साथ ही मेरे। तो ओवरऑल हम जायरो की परफॉर्मेंस भी देखें तो जबरदस्त चल रही है फ्रेंड्स, और मुझे तो जायरो पे स्टेबिलिटी भी बड़ी जबरदस्त लग रही है इसकी। ओ भाई मार के चला गया।
तो फ्रेंड्स क्योंकि मैं जायरोस्कोप पे बहुत ही कम खेलता हूँ जैसा कि आपको बताया, तो गेम प्ले तो मुझे बहुत अच्छा जायरोस्कोप पे देखने को मिला। ऐसे अगर फ्रेंड्स को जैसे पूछ रहे हैं जायरोस्कोप में कैसा हमें गेम प्ले देखने को मिल रहा है, तो हमें गेम प्ले बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम एक लिविक स्टार्ट करते हैं और आज गेम प्ले खेलते हैं। तो जायरो मैंने अभी ऑफ कर दी है और हम गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, देखें हमें आम नेचुरल जो हम दूसरी जो मैप्स है उसमें हमारा गेम प्ले देखने को कैसा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अभी लॉबी में आ गए हैं, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लेगा, तो देखते हैं हम थोड़ा मैं गेम आगे फास्ट कर देता हूँ वीडियो का ताकि हम डायरेक्ट गेम प्ले में चले जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा गेम प्ले स्टार्ट हुआ चाहता है, तो हम ज़रा चलते हैं गेम प्ले में। तो मैं यहाँ पे अलग ही सेपरेटली उतरूँगा ताकि मैं अपने तरीके से ज़रा गेम खेल सकूँ। और यहाँ पे ये लिविक मैप हमारे इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हमें लूट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक ही रूम में हम तकरीबन हमें फुल फ्लैज यहाँ पे लूट मिल जाती है, तो रेंगल में तो हम लूट के प्यासे ही रहते हैं। वैसे फिलहाल की किट्स वगैरह मिल रही हैं, ओ एक के यम। तो फ्रेंड्स यहाँ से चलो भाई बाहर चल रहे। हेलमेट लेवल 3 वेस्ट, ओहो बड़ा सामान है भाई। बैंडेजेस, यहाँ पे हमारी हो रही है फाइट शुरू। और यहाँ पे हमने दो बंदों को फुल स्कॉर्ड था बैक से पड़ी मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आपने देखा गेम प्ले तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो चूंकि पूरा स्कॉर्ड था मुझे पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो इस गेम प्ले में मुझे तो बहुत ही स्मूथ गेम प्ले देखने को मिला, क्योंकि चूंकि मैं इसे ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन को, तो उसे अलग ही ऐसे हीटअप होना चाहिए था, लेकिन डिवाइस उस तरीके की मेजर हीटअप भी नहीं हुई। तो एक बहुत ही अच्छा हमें गेम प्ले देखने को मिला। जायरो में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उम्मीद है जो बाकी इसके जो बाकी मैप्स वगैरह भी होंगे उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली होगी। जैसा कि आपने देखा इसका पबजी टेस्ट मैंने किया, तो यहाँ पे हमें एक HD में ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे हमें बहुत ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैंने इसको रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो भी इस टाइम चल रहा था आई थिंक सो 35-36 रूम टेम्परेचर के अंदर मैंने इसको पबजी चलाई, तो हमें मेजर हीटिंग इश्यूज में देखने को नहीं मिले। नॉर्मल जो हल्का फुल्का जो हमें थोड़ी बहुत हीटिंग वगैरह देखने को मिलती है वही है। ओवरऑल फ़ोन ने गेमिंग के हवाले से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और हमें टच रिस्पॉन्स रेट भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिला और बहुत ही हमें स्मूथ गेमिंग देखने को मिल रही, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वो शीट वाला प्रोटेक्टर भी इस पर इंस्टॉल्ड है, दूसरा ग्लास प्रोटेक्टर या स्पेशल वो जो हमें 90 ग्लास देखने को मिल रहा है उस पर बड़ा स्मूथनेस वगैरह होती है, गेमिंग वो ग्लास होते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर वो हम इस पर इंस्टॉलेशन करें तो हमें बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो पबजी की तरफ से तो आई थिंक मैं इसको एक अच्छे नंबर्स देने के लिए तैयार हूँ।